शॉप आपके अंडर में है क्या? इसके कुवैत के अंडर में, ये वाला कुवैत के अंडर में है, मतलब आप काम करते हो, आपका सैलरी से है, खाना पीना आपका है या कुवैत का है? आपका खुद का 120 में आपका खाना पीना आप कैसे करते हो तो? नहीं भाई यार, ये तो ये यकीन करने वाली बात नहीं रही है। आपको पता है एक 18 नंबर काम होने के बाद में आप ये काम छोड़ के बाद दूसरा काम भी करोगे तो अच्छे पैसे कमा लोगे। हूँ आज जहाँ गाड़ी का रिपेयरिंग होता है वहाँ पे। दोस्तों आज मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा और जो गाड़ी के गैरेज में काम कर रहे हैं वर्कर, उनको मैं नहीं बताऊँगा कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर मैंने बता के वीडियो रिकॉर्डिंग किया तो आपके सामने जो चीज़ रियल चीज़ है वो आपके सामने नहीं आएगी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो कितनी जानकारी आपको परफेक्ट देते हैं, और जो भाई नए आएंगे उनको भी ये पता रहे, जो भाई जानना चाहते हैं कि गैरेज में कैसे काम करते हैं, कितना सैलरी होता है, क्या क्या काम करना पड़ता है, गाड़ी रिपेयरिंग कैसे करते हैं। तो मेरी गाड़ी का आज दोस्तों ब्रेक प्रॉब्लम है, तो मैं ब्रेक ही ठीक कराऊंगा, तो आपके सामने रखूंगा सारी की सारी ऑडियो, सारी की सारी फुटेज, ताकि आप समझ सको कि कुवैत में हो या गल्फ कंट्री में हो, गाड़ियों के गैरेज में कैसे काम करते हैं, और वो अदरवाइज किसी भी कंट्री के हो सकते हैं वर्कर। तो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो रियल चीज़ है वही आपके सामने शेयर हो, ताकि किसी भी भाई का एक गलत मैसेज से किसी की भाई की लाइफ चेंज भी हो सकती है और किसी की भाई की लाइफ बदल भी सकती है। तो अगर रियल चीज़ शेयर हो जाएगी वही चीज़ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो दोस्तों चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, या तो मैं कामयाब हो जाऊंगा या फिर नाकाम होऊंगा, दो ही चीज़ तय करके जा रहा हूं। दोस्तों यहां पे गाड़ी मैकेनिक का इस तरह ये काम करते हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी का ब्रेक काम नहीं कर रहा था तो मैं आया था यहां पे, तो मुझे भाई मिले हैं, तो भाई से बात करके आपके सामने शेयर करूँगा। सफ़र कितना में जाते हो साल साल में? अभी तक सफ़र नहीं गया। 3 साल में सफ़र नहीं गए आप? 3.5 साल हो गया, यानी कोरोना के टाइम आए थे इधर? कोरोना से पहले आए। अच्छा, कोरोना से पहले आए थे, अभी तक सफ़र नहीं गए। तो ये शॉप आपके अंडर में है कि आप इसके कुवैत के अंडर में? ये वाला कुवैत के अंडर में है, मतलब आप काम करते हो, आपका सैलरी से है, खाना पीना आपका है या कुवैती का है? आपका खुद का 120 में आपका खाना पीना आप कैसे करते हो तो? नहीं भाई यार, ये तो ये यकीन करने वाली बात नहीं रही है। आपको पता है एक 18 नंबर काम होने के बाद में आप ये काम छोड़ के बाहर दूसरा काम भी करोगे तो अच्छे पैसे कमा लोगे। नहीं कमा सकते हो, है ना? कमा सकते हो ना? आपकी दुकान ही भाई बहुत दर्द भरी है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाहर निकल जाऊँ और आप मेरे को बता रहे हो कि अब भाई आप कहाँ से हो? राजस्थान में? किधर? आप बांसवाड़ा से है? हम ही जोधपुर से है। यहाँ बांसवाड़ा के बहुत सारे आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है ना, ये गाड़ी मैकेनिक का काम होता है, तो ये इनकी शॉप है, आप देख सकते हो। दोस्तों गाड़ी चलने में भी अच्छी लगती है, अभी तो ये सिर्फ चक्का चक्का बचा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। वो प्लेट यहाँ से डिस्क ब्रेक वाली है, वो खोल के भाई ले गया है, जो कि अंदर उसकी घिसाई करेगा, वो घिसाई करेगा तो जो आवाज़ होता है वो नहीं आएगा, तो ये आप देख सकते हो। दोस्तों भाई ने जैसा कि बोला कि 120 KD मेरे सैलरी है, उसमें खाना पीना है,
तो दोस्तों ये भाई ने गलत हमें इन्फॉर्म दी है, मैं नहीं जानता हूँ भाई ने ऐसा क्यों बोला है, लेकिन ये गलत इन्फॉर्म है। 18 नंबर और 20 नंबर हकामा जो भी भाई बाहर काम कर रहा है, जो कि कुवैत में रहने वालों को पता है कि 250 केडी से लेके 300 केडी तक आराम से मिल जाता है। दोस्तों प्लेट घिस रहा है, इस भाई से मैंने बात करके जाना तो 350 केडी सैलरी है, जो कि इस काम का अच्छा खासा अगर नॉलेज है तो आपको सनैया के अंदर कहीं भी जॉब मिल जाती है, और 350 केडी के तकरीबन आपके 85,000 के आसपास बन जाते हैं, जो कि ये बहुत ज़्यादा रकम होती है। एक गवर्नमेंट कर्मचारी की भी इंडिया में इतनी सैलरी नहीं होती है। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हो सकता है दोस्तों ये वीडियो आपके काम का नहीं है, लेकिन बहुत सारे भाई ऐसे हैं उनके ये वीडियो काम का है, तो आपकी छोटी सी हेल्प से ये वीडियो उन तक पहुँच जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस।